हेलो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 अप्रैल को जो है RO AR 2017 का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, जिसमें जनसंख्या का टॉपिक जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि लगभग आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे और विभिन्न किताबें हैं। अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कुछ समय भी ज़्यादा लगे और उतना मटेरियल आप डाइजेस्ट ना कर पाएँ। इसलिए हमने प्रयास किया है कि आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जनसंख्या का टॉपिक जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। और इस जनसंख्या में जो होता क्या है कि इसमें हम जो आपको वीडियो बना रहे हैं, इसमें न सिर्फ भारत का बल्कि उत्तर प्रदेश का भी तुलनात्मक रूप से आपको सभी टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व पर। जनसंख्या घनत्व में भारत जो है 382, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 382 पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, भारत में भी किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो आप लोग बताएं, ये बोर्ड पर शो भी हो रहा है, बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम बता भी चुके हैं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश जो है चौथी रैंक पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। उसके बाद मिजोरम है, फिर सिक्किम है, फिर नागालैंड है। आप ये देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के जो चार राज्य हैं इनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो गाजियाबाद। गाजियाबाद हालांकि हैं तो तीन चार आपको क्रम ध्यान रखने चाहिए, लेकिन कम से कम एक तो जरूर ध्यान रखें, अवश्य ध्यान रखें। मैं समझता हूँ समय की, अभी ये समय कम है, कम रह गया है, इसलिए जो है कम से कम एक एक जिले तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। गाजियाबाद का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही, फिर कानपुर नगर, ठीक है। इसके बाद अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है किसका, ललितपुर का है। उसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट है, ठीक है। ललितपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, गाजियाबाद का सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं लिंगानुपात पर। भारत का लिंगानुपात है 943 है। 2001 की जनगणना की अगर रेस्पेक्ट में बात करें तो 2001 में जो इसका लिंगानुपात था भारत का वो 933 था। और आप देखते हैं, देख सकते हैं बोर्ड पे कि 943 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसका मतलब 10 अंक का इजाफा हुआ लिंगानुपात में 2001 से 2011 के मध्य में। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, 912 है। और लिंगानुपात में जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, पोजीशन है, वो कौन सी है, 14वां पोजीशन है, 14वीं रैंक है इसकी। अच्छा, लिंगानुपात में जो सबसे ज़्यादा है वो केरल है, केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। हालांकि कारण कोई भी हो सकता है कि यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है तो भूण हत्या जैसे मामले कम आते हों और केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। हमने एक केंद्र शासित प्रदेश भी लिया है, वो इसलिए लिया है कि क्योंकि क्रम आपको ध्यान रहे, और अगर केरल नहीं दिया जाता तो पांडुचेरी का, और पांडुचेरी दिया जाता तो पांडुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। और लिंगानुपात में अगर बात करी जाए सबसे कम किसका है, तो राज्यों में तो सिर्फ हरियाणा का सबसे कम है, लेकिन अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, दमनदीप का सबसे कम 618 है, और दमनदीप, उसके बाद दादर नगर हवेली, फिर चंडीगढ़। ये तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके लिंगानुपात सबसे कम है कंपेरिजन टू स्टेट। और उसके बाद फिर हरियाणा फोर्थ नंबर पे आता है, तो दमनदीप का लिंगानुपात सबसे कम है, उसके बाद दादरा नगर हवेली, फिर चंडीगढ़, और फिर हरियाणा आता है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, ये क्रम है। तो आप लोगों को बेहद सतर्क रहना है कि हो सकता है कि दमनदीप भी दे दिया जाए तो आप लोग जो है हरियाणा न लगाएं इस समय। जब दमनदीप हरियाणा दोनों दिए जाएँ तो दमनदीप का लिंगानुपात सबसे कम है, वही आपको ध्यान रखना है, लगाना है। अब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, जौनपुर का, जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। और न्यूनतम अगर लिंगानुपात में बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम है। हालांकि अगर कुछ थोड़ा ध्यान रखें तो ये भी है, ग्रेटर नोएडा ऐसे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर को, थोड़ा डेवलप है जिला, तो लिंगानुपात अब पता नहीं क्या कारण है इसके कि जो लिंग डेवलप होने के बावजूद भी जो लिंगानुपात यहाँ कम है। चलिए खैर, ज़्यादा उस पर ध्यान अटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम है। अच्छा, ये आप पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से दो ज़िले हैं जिनका लिंगानुपात बराबर है, तो बागपत और हमीरपुर।
उसके बाद अगर तीन जिले की बात आती है, कौन से तीन जिले हैं जिनके लिंगानुपात बराबर हैं, तो उसके बाद आपका कानपुर, बांदा और मथुरा। ये ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना कि बागपत, हमीरपुर दो जिलों के लिंगानुपात बराबर हैं, कानपुर, बांदा, हमीरपुर के लिंगानुपात, कानपुर, बांदा और मथुरा के लिंगानुपात बराबर हैं। उसके बाद औरैया, जालौन। तो क्रम क्या है, गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर कानपुर नगर, औरैया, फिर जालौन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंगानुपात के बाद साक्षरता पर। राइट हैंड साइड पे जो साक्षरता लोकेट हो रही है, साक्षरता में भारत की साक्षरता वो है 73% है, और उत्तर प्रदेश की साक्षरता वो है 67.7%। साक्षरता में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, 29th रैंक है। और कि साक्षरता, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं अभी आपको, कि साक्षरता जो सबसे ज़्यादा है वो किसकी, केरल की। केरल, मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो लक्षद्वीप की है, और राज्यों में केरल, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये ध्यान रखना। और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, झारखंड। न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो दादर नगर हवेली। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता है तो लक्षद्वीप की है, और न्यूनतम अगर है बात करें तो दादर नगर हवेली की है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो किसकी, गौतम बुद्ध नगर की, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। और न्यूनतम अगर साक्षरता में बात करें तो श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, बा नाम से तीनों हैं, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, याद करने में सरलता रहेगी। श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं। अब दस की वृद्धि, दस की वृद्धि भी पूछ लेते हैं। दस की वृद्धि में भारत की जो दस की वृद्धि है वो 17.5% है, और दस की वृद्धि कम देखने को मिली है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 21.54% थी 2001 में, और घटके जो है दस की वृद्धि 17.5% रह गई है। अब उत्तर प्रदेश की रेस्पेक्ट में बात करें तो इसका जो दस की वृद्धि हुआ है वो 20.2%, और दस की वृद्धि में जो स्थान इसका है 10 का 15, ध्यान रखिए, दस की वृद्धि 10 का 15, 15वां स्थान है दस की वृद्धि में इसका, साक्षरता में 29, दस की वृद्धि में 15वां स्थान। दस की वृद्धि में केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड करके बात करते हैं तो दादर नगर हवेली, उसके बाद दमनदीव, फिर पुडुचेरी, इनकी दस की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई। राज्यों में दस की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई वो मेघालय की, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली की। और न्यूनतम जो दस की वृद्धि वो नोट की गई है वो नागालैंड की, नागालैंड, केरल और लक्षद्वीप। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दस की वृद्धि नोट करी गई है वो कहाँ से करी, लक्षद्वीप से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा दस की वृद्धि करी गई है शामिल नोट करी गई है वो कहाँ से, गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध की दस की वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है, उसके बाद गाजियाबाद की, ये दो ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम दस की वृद्धि जो देखी गई है वो कानपुर नगर की, और दूसरे नंबर पर हमीरपुर की। ठीक है, तो ये जो चार टॉपिक महत्वपूर्ण थे, जनसंख्या घनत्व, तो लिंगानुपात, साक्षरता, दस की वृद्धि, जो हमने आपको तुलनात्मक रूप से बताया। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य भी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक SC कहाँ है, ST कहाँ है, पूछा जाता है। तो सर्वाधिक SC सीतापुर में है, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के जो सबसे ज़्यादा हैं वो कहाँ पे हैं, वो सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक SC जो है वो सीतापुर में, सर्वाधिक ST जो है सोनभद्र में। ठीक है, न्यूनतम SC जो है वो, न्यूनतम SC ST जो है वो बागपत में है। सर्वाधिक SC का परसेंटेज कहाँ है, तो कौशाम्बी। सर्वाधिक ST का परसेंटेज कहाँ, तो बागपत, आप लोगों को बताना है। ठीक है, बागपत का। अब इधर देखिए, थोड़ा बात करते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वाले, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो दर्ज किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद अगर केंद्र शासित में बात करते हैं तो अंडमान का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे कम किसका है, अंडमान का। निरक्षर व्यक्तियों की अगर सर्वाधिक वृद्धि हुई तो राजस्थान में हुई है, और सबसे निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी आई है वो उत्तर प्रदेश में। अब मामला जो भी है वो अलग है। और सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाले राज्य, राजस्थान। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाला राज्य है राजस्थान, में इसका मतलब ये हो गया कि पुरुष की साक्षरता ज़्यादा है, स्त्री साक्षरता कंपेरिजन टू मेल, और इसकी जो लिटरेसी है रेट वो कम है।
और न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता वाला अंतर राज्य वो मेघालय। ठीक है, ध्यान रखना कि मेघालय में स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे कम अंतर है। सर्वाधिक एससी यूपी में है, सर्वाधिक एसटी अगर पूछा जाता तो एमपी में आप लोग बताएंगे, और न्यूनतम एससी एसटी मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, और सर्वाधिक एससी परसेंटेज के पे बात किया तो सबसे ज़्यादा एससी परसेंट में पंजाब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो जनगणना का मिल जाएगा मटेरियल, और आप लोग तैयार करें इसे अच्छे से और देखें। और अगर क्रम में कम से कम आपको जो ऊपर के टॉप मोस्ट जो हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।